हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी लेडीज़ स्कार्फ बुनना किस तरह से बुनते हैं स्कार्फ। तो चलिए शुरू करते हैं स्कार्फ बुनना। ये मैंने ऊन ली है ओसवाल की। चलिए शुरू करते हैं। तीन चैन ली मैंने। अब मैं डबल क्रोशिया लूँगी। यहाँ पे मैं 14 डबल क्रोशिया लूँगी। 14 डबल क्रोशिया लेनी है मुझे। देखिए मैंने 14 चैन और 14 डबल क्रोशिया ले ली है। ये देखिए, ये धागा मैंने खींच लिया है। ये देखिए यहाँ पे अब हम ऐड कर लेंगे इसे। अब हम तीन चैन लेंगे। यहाँ पे एक डबल क्रोशिया लेंगे। अब हम हर चैन में दो डबल क्रोशिया लेंगे। हर चैन में दो डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए इसमें भी हम दो डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए हर चेन में हमने दो डबल क्रोशिया ली। इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हर चेन में दो डबल क्रोशिया लेके, ये देखिए, ये मैंने हर चेन में दो डबल क्रोशिया ली हैं। हर चेन में दो डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है ये घेर मैंने। अब हम तीन चेन लेंगे। तीन चेन लेंगे और ये यहाँ एक डबल क्रोशिया लेंगे। अब देखिए यहाँ इस चेन में एक डबल क्रोशिया लेंगे और अगली चेन में दो डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और लेंगे। देखिए दो डबल क्रोशिया ली मैंने। अब यहाँ पे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए दो डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में दो डबल क्रोशिया। देखिए इसी चेन में ये दो डबल क्रोशिया ले ली मैंने। अब अगली चेन में एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए इसी तरह से ये पूरा घेर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये घेर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसे हम जोड़ लेंगे। इसे हमने जोड़ लिया। अब यहाँ पे मैं तीन चैन लूँगी, वही पैटर्न। तीन चैन ली, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ अगले चैन में एक डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में एक डबल क्रोशिया। देखिए अब यहाँ पे इस चेन में हम दो डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में। देखिए एक चेन में ही दो डबल क्रोशिया लेंगे, एक और लेंगे इसमें ही। देखिए दो, एक एक, फिर दो, फिर एक एक। इस तरह से पूरा घेर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली है। पूरा घेर इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं तीन चैन लूँगी। तीन चैन लेने के बाद वही यहाँ पे मैं एक डबल क्रोशिया लूँगी। अब एक सिंगल क्रोशिया, अगली चैन में सिंगल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में डबल क्रोशिया। ये तीन डबल क्रोशिया ले ली है मैंने, एक दो तीन। अब अगली चेन में यहाँ दो डबल क्रोशिया लूँगी मैं, एक एक और इसी में लूँगी दो डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने दो डबल क्रोशिया ली, फिर वही एक दो तीन, तीन डबल क्रोशिया ली, फिर ये चौथे चेन में दो डबल क्रोशिया ली। इसी तरह से
ये घेर भी कंप्लीट हम कर लेंगे। देखिए ये घेर भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, तीन चैन लेंगे, तीन चैन ली मैंने। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया लेंगे। अब यहाँ पे हम हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया लेंगे, यानी चार डबल क्रोशिया लेंगे, तीन चार, ये चार डबल क्रोशिया हो गई हैं, एक दो तीन चार, ये चार डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब अगली चेन में हम दो डबल क्रोशिया लेंगे, चार डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए दो डबल क्रोशिया ली मैंने। अब फिर उसी तरह से हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया, यानी चार डबल क्रोशिया लेंगे, एक दो तीन और ये चार। अब पांचवी चेन में हम फिर से वही, पांचवी चेन में दो डबल क्रोशिया लेंगे, एक ली और इसी में, इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और लेंगे। इस तरह से ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये छठी लाइन चल रही है हमारी, इसमें हम वही लेंगे चार सिंगल क्रोशिया, सॉरी चार डबल क्रोशिया, चार स्टिच में। देखिए एक दो तीन चार, और पांचवें में एक बढ़ाएंगे, यानी दो डबल क्रोशिया लेंगे पांचवें में, पांचवें फंदे में। देखिए इसी तरह से ये छठा घेर भी हम कंप्लीट कर लें। देखिए ये घेर भी कंप्लीट हो गया है मेरा। अब हम इसको अगली लाइन बुनेंगे, सातवीं लाइन। यहाँ पे हम पांच सिंगल क्रोशिया, यानी हर फंदे में एक डबल क्रोशिया लेंगे। पांच डबल क्रोशिया लेने के बाद एक दो तीन चार पाँच, ये हो गया हमारा छठा। छठे फंदे में हम फिर एक वो बढ़ा देंगे डबल क्रोशिया, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे। ये देखिए ये हमने बढ़ा दी एक डबल क्रोशिया। फिर उसी तरह से हम पांच फंदों में पांच डबल क्रोशिया लेंगे, और फिर छठे में एक डबल क्रोशिया बढ़ा देंगे। इसी तरह से ये घेर भी हम कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये 10 लाइनें इसकी मैंने कंप्लीट कर ली हैं, और हर लाइन में मैंने ये बढ़ाती चली हूँ फंदे, हर लाइन में मैंने फंदे बढ़ाए हैं। और अब इसको देखिए इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद अब देखिए ये चार तय हमने इसकी बना ली हैं, और ये जो हमारा यहाँ पे है ये, और ये मोड़ यहाँ पे ये, इस फंदे पे हम निशान लगा लेंगे। अब हम इसको इतना बुनेंगे, इतना छोड़ देंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हम छोड़ देंगे, और ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा घेर बुनते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम तीन चैन लेंगे, ये तीन चैन ली मैंने, और हम ये इसको छोड़ देंगे फंदे को, और अगले फंदे में लेंगे ये फंदा हम छोड़ देंगे, इस फंदे को छोड़ के इस फंदे में हम डबल क्रोशिया लेंगे, और हर फंदे में एक डबल क्रोशिया लेते चलेंगे। इस तरह से ये पूरा घेर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है एक घेर, ये इतना छोड़ दिया है मैंने यहाँ से। अब देखिए आगे को, यहाँ पे तीन चैन लेंगे, तीन चैन लेने के बाद फिर से वही, इसे छोड़ देंगे हम फंदे को, इस फंदे में लेंगे डबल क्रोशिया, इसको छोड़ के इसमें लेना है डबल क्रोशिया। अगली चेन में डबल क्रोशिया, यानी अगले फंदे में, इस तरह से अगले फंदे में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से ये लाइन भी हम पूरा घेर कंप्लीट कर लेंगे, और आगे भी इसी तरह से ऊपर को बुनते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, इसकी ये मैंने यहाँ पे 11 लाइनें बुन ली हैं यहाँ से यहाँ तक। अब मैं आगे का देखिए, अब ये यहाँ पे आगे अब दो चैन लूँगी, ये ली मैंने दो चैन, इसको पलट लिया, और यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया लूँगी। ये देखिए ये लाइन में पूरी सिंगल क्रोशिया की बुनूंगी, हर चैन में एक सिंगल क्रोशिया ऐसे।
देखिए सिंगल क्रोशिया की लाइन इसी तरह से मैं पूरी कर लूँगी। देखिए ये लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है, दो चैन लूँगी और फिर से वही सिंगल क्रोशिया की एक लाइन और बुनेंगे। लाइन भी पूरी कर लेंगे। देखिए ये लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया की, सॉरी सिंगल क्रोशिया की, ये दो लाइनें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर जोड़ रही हूँ, ये देखिए ये दूसरा कलर मैंने जोड़ लिया है। यहाँ पे मैं दो चैन लूँगी और ये फिर से एक सिंगल क्रोशिया की लाइन शुरू करूँगी। देखिए सिंगल क्रोशिया की लाइन शुरू करूंगी और ये धागा हम इसके साथ ही लेते चलेंगे। ये देखिए इस तरह से ये लाइन भी मैं कंप्लीट कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये लाइन भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे ये दूसरा कलर, अब दो चैन लेंगे और फिर से यहाँ से सिंगल क्रोशिया की लाइन शुरू करेंगे। ये लाइन भी सिंगल क्रोशिया की कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स ये पांच लाइनें स्मॉल क्रोशिया की मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पे हम, ये हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पे चेन बुनेंगे। इसके तनी बुनने के लिए चेन लेंगे हम, यहाँ पे चेन बुनते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इसकी 100 चेन बुन ली हैं, यहाँ 100 चेन कंप्लीट कर ली हैं तनी के लिए। अब इसी तरह से दूसरी तरफ यहाँ भी, इसके लिए भी 100 चैन बुनी है मैंने। तो चलिए यहाँ पे 100 चैन जो बुनी है हमने वे जोड़ देते हैं। देखिए इसकी भी 100 चैन कंप्लीट कर ली है मैंने। चलिए कैसे जोड़ते हैं इसकी लास्ट स्टिच में हम ये चैन जोड़ देंगे। लास्ट स्टिच इसका ये रहा। देखिए यहाँ पे हम इसे काट देंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम इसे बुनना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें आखिरी फंदे में हम ये लेंगे। अब यहाँ हम तीन चैन लेंगे, तीन चैन ली हम। अब यहाँ यहाँ पे हम डबल क्रोशिया लेंगे, एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर चेन में हम डबल क्रोशिया लेते चलेंगे, हर चेन में डबल क्रोशिया हम लेते चलेंगे। ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे, ये पूरा यहाँ से इस तरह से, सॉरी ये यहाँ पे इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये 100 चेन पे 100 डबल क्रोशिया मैंने कंप्लीट कर ली है यहाँ से। अब ये हम यहाँ बुनेंगे, अब आगे हम लेके चलेंगे इसे डबल क्रोशिया को ऐसे ही। देखिए यहाँ पे जो मैंने सिंगल क्रोशिया ली थी वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया ये इस तरह से। देखिए ये एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया लेंगे, यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया लेंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये सिंगल चेन, सिंगल डबल, सिंगल क्रोशिया थी यहाँ पे पांच, इनमें हमने ले लिया है एक एक डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे लेंगे एक डबल क्रोशिया, और ये डबल क्रोशिया थी इस पर हम लेंगे एक डबल क्रोशिया। देखिए अब ये यहाँ पे लेंगे हम एक डबल क्रोशिया। देखिए अब यहाँ पे लेंगे हम एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से हम ये पूरा घेर कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। ये पूरा जो हमने किया है इस पर हम पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे इस लाइन को। फ्रेंड्स ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये इसमें मैंने दो लाइनें गाजरी रंग की बुनी है, एक बीच में ये येलो कलर डाल दिया है और ये दो लाइनें, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका बॉर्डर चारों तरफ से फिर उसी का बुनूंगी येलो कलर का। तो चलिए शुरू करते हैं येलो कलर का बॉर्डर।
देखिए देखिए कॉर्नर से शुरू कर रही हूँ मैं, ये एक चेन ली मैंने और यहाँ क्योंकि कॉर्नर है तो कॉर्नर पे हम तीन डबल क्रोशिया लेंगे, कॉर्नर पे तीन डबल क्रोशिया लेनी है हमें, सॉरी सिंगल क्रोशिया की लाइन चलेगी, ये डबल क्रोशिया की नहीं सिंगल क्रोशिया की चलेगी लाइन, ये सिंगल क्रोशिया एक, सिंगल क्रोशिया दो, ये सिंगल क्रोशिया तीन, ये तीन सिंगल क्रोशिया कॉर्नर पे ले लिए मैंने। अब हर स्टिच में यानी हर फंदे में एक सिंगल क्रोशिया हम लेते हुए चलेंगे, हर फंदे में एक सिंगल क्रोशिया लेते हुए चलेंगे। ये देखिए इस तरह से हम पूरा बॉर्डर हम यहाँ से ये पूरा पूरे केप का बॉर्डर स्कार्फ का पूरा चार तरफ कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स स्कार्फ ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, इसकी तनिया भी कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने यहाँ से कैसे शुरू किया था ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने शुरू में 14 डबल क्रोशिया ली थी, फिर यहाँ पे मैंने एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया ली थी, हर चेन में दो डबल क्रोशिया ली थी, यहाँ पे मैंने एक चेन दो डबल क्रोशिया, एक चेन दो डबल क्रोशिया ली थी, यानी एक चेन में दो डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर अगली चेन में दो डबल क्रोशिया ली थी, यहाँ पे मैंने दो डबल क्रोशिया ली, फिर एक चेन में दो डबल क्रोशिया ली, यहाँ सिंगल सिंगल क्रोशिया ली दो, इस तरह से ये मैंने घेर कंप्लीट किया, यानी हर उसमें मैं बढ़ाती गई, यहाँ पे तीन सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया ली, फिर यहाँ पे बीच में, फिर यहाँ पे बीच में हमने चार छोड़ी डबल क्रोशिया, फिर बढ़ाई एक डबल क्रोशिया, यहाँ पे मैंने पाँच ली अगली लाइन में, फिर एक बढ़ाई, यहाँ पे मैंने छः ली, फिर एक बढ़ाई, यहाँ पे मैंने सात ली बीच में, फिर एक बढ़ाई, बस सात तक ही मैंने बढ़ाई थी, आठवीं तक आठवीं नहीं बढ़ाई थी, ये पूरा घेर कर लिया था हमने सात लाइनों का, सॉरी ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ लाइनों का घेर कर लिया था मैंने, नौ लाइनों का, नौ लाइनों के बाद हमने यहाँ से ये छोड़ दिया था, इतना वन फोर्थ हिस्सा इसका छोड़ दिया था और फिर आगे का ये बुन लिया था स्कार्फ पर, ये आगे का पूरा हिस्सा बुन लिया था इस तरह से। उसके बाद फिर मैंने ये नीचे इसकी तनी बुनी थी। आपको मेरा ये स्कार्फ का डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक।